जोहार झारखंड, जय झारखंड। सबसे पहले आप तमाम झारखंड वासियों को मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। आपने इस युवा को इतना हिम्मत देने का काम किया, इतना प्यार, इतना समर्थन और इतना समर्पण आपको मिला कि आज पूरे राज्य में कहीं अगर कोई चर्चा का विषय है तो आपका लाडला बेटा, आपका छोटा भाई, आपका टाइगर जयराम महतो पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। तो चलिए विषय को लंबा न ले जाते हुए सीधा बात करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल हमारे आलोचकों के जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल गांव के चौपाल से उठ रहे होंगे। उन सवालों का मैं खुद आज खुद से सवाल भी पूछूंगा और उन सवालों का उत्तर भी देने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास मीडिया आज नहीं है। सबसे पहली बात, चलिए आपको शुभकामनाएं कि मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। 4 पेपर मैंने भरा था जिनमें 3 पेपर को सेलेक्ट किया गया है। एक रूमर आया कि नहीं अंतिम पेपर को सेलेक्ट किया गया है और 3 पेपर रिजेक्ट हुए हैं, जो कि सत्य नहीं है। 3 पेपर सेलेक्ट हुए हैं, 1 पेपर रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्ट क्यों हुआ है थोड़ा सा कारण बता देते हैं, कि बहुत सारे लोग कहने लगे कि पढ़े लिखे नौजवान और गलती कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर आप जान लीजिए कि नॉमिनेशन फॉर्म वकील भरते हैं, और वकील रहे या कोई रहे, सबसे पहले उनका धन्यवाद। कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, मानवीय भूल हो जाती हैं। तो समस्या ये थी जिस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया कि उसने हस्ताक्षर यानी नाम, वोटर आईडी का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर किन्हीं और का था और हस्ताक्षर किन्हीं और का बाय मिस्टेक इसलिए हुआ था क्योंकि हमने लगभग 2-3 दिनों में 5 बार हम लोगों ने पेपर में केस के सिलसिले में रिजेक्ट किया था, काटकूट किया था, क्योंकि नया नया केस हमें मिलता जा रहा था और नया नया फॉर्म बनता जा रहा था और बार बार फिर प्रस्तावकों का साइन लेना पड़ता था। तो स्वाभाविक है बार बार जब चीजें घटित होंगी तो कुछ त्रुटियां आ जाती है। तो खैर फिलहाल 3 पेपर सेलेक्ट है, 1 रिजेक्ट है, डज नॉट मैटर। एक भी अगर सेलेक्ट होता है तो उसी से लोग चुनाव लड़ते हैं। अब बात करते हैं उस दिन हुआ क्या था, केस के बारे में सब जानना चाहता है, बहुत सारे लोग मेरी जुबान से जानना चाहते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या, क्योंकि एक लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, जो आलोचक वर्ग है हमारा, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यदि जयराम बाबू को इस केस की जानकारी नहीं थी तो फिर उनका हस्ताक्षर केस के एफिडेविट में कैसे आया। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि 29 तारीख को जिस दिन मेरा नॉमिनेशन पेपर खरीदा गया मैं कहां था, पूरा राज्य जानता है। मैं चतरा में श्रीमान दीपक गुप्ता जी के, जो हमारे दल से हैं, उनका नॉमिनेशन था, यानी मैं दिन भर चतरा में था। मेरा फॉर्म धनबाद में, सॉरी बोकारो में हमारे साथी खरीद रहे हैं और मैं कहां, चतरा में। अगला दिन मैं कहां था, हजारीबाग में, यानी फॉर्म जो भर रहे थे वो मेरे साथी भर रहे थे। 1 तारीख को मेरा नॉमिनेशन होना था और 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फॉर्म लिया था। अब वहां डिटेल्स भरा जाना स्टार्ट हुआ। केस की जहां तक बात है, सबसे पहले हम लोगों ने 10 केस इंक्लूड किया था, यानी 29 तारीख शाम को 4 बजे जब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ तो हमारे साथी, हमारे वकील की टीम के माध्यम से 10 केसों की जानकारी दी गई। लेकिन जैसे ही 30 तारीख को सुबह हजारीबाग मुझे जाना था संजय दा के नॉमिनेशन में, उसी दरमियान मैं गया प्रज्ञा केंद्र, वहां हमारा साथी है उनसे मिलने गए एक अकाउंट के सिलसिले में। तो हमारे चचा बैठे हुए थे बगल के पंचायत के, उन्होंने कहा टाइगर याद है 2015 का केस, उसका क्या स्टेटस है। बोले चाचा ये तो केस हम भूल चुके थे। अच्छा कि आप याद दिला दिए, तो क्या स्टेटस है इस केस का, बताइए। बोला नहीं उसका नोटिस हमको आया है 107 बन के कि हमको एक दिन उपस्थिति देना है कोर्ट में। तो बोले आपको आपसे रिक्वेस्ट है इस केस के बारे में डिटेल दीजिए। फिर उन्होंने 2015 का केस जो सड़क जाम का केस था और उस केस में कोई एक्टिविटी नहीं है, 10 साल पुराना केस हो चुका है लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं, तो फिर उस केस का डिटेल दिया गया। यानी फिर उस डिटेल को हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी टीम को भेजे जो मेरा फॉर्म भर रहे थे कि ये केस को इंक्लूड कीजिए, एक नया केस फिर मिला है। यानी वो केस इंक्लूड किया गया, अब केस नंबर 11 हो चुका है। कब हुआ है, संजय दा के नॉमिनेशन में हम जा रहे हैं, यानी दिन के 11 बजे मेरा केस नंबर हो रहा है 11। नॉमिनेशन होता है संजय दा का, हम बिशुनगढ़ आते हैं, संजय दा को कोई भी चाहे तो संजय दा से फोन में बात कर सकते हैं। बिशुनगढ़ जैसे ही हम क्रॉस करते हैं संजय दा का फोन आता है कि जयराम भाई नगले थाना की पुलिस आपको डिटेन करने के लिए आई है, आप नॉमिनेशन करेंगे और वे लोग डिटेन कर लेंगे या फिर आपको नॉमिनेशन करने से पहले डिटेन करेंगे। तो हमने कहा संजय दा नगड़ी में मेरा कोई केस ही नहीं है, हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि नगड़ी में मेरा कोई केस ही नहीं है। हाँ मेरा एक केस है 23 मार्च
2023 को विधानसभा घेराव के दौरान है और वो जगन्नाथपुर थाना में है। यानी मेरा नगरी में कोई केस नहीं है, मैंने संजय देव कहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्लियर कीजिए, क्योंकि मेरे एक साथी वहां रहते हैं, उन्होंने परफेक्ट सूचना दिया है। यानी नॉमिनेशन मेरा था 1 मई को और रात 8 से 9 बजे 30 अप्रैल को पुलिस के प्राधिकारी के माध्यम से उस केस की जानकारी मिली। फिर हम लोगों ने आनन फानन में ये जानने का प्रयास किया कि उस केस में धारा क्या है। तो फिर हमने अपने साथियों के माध्यम से जाना कि उसमें कितनी धाराएं हैं, तारीख क्या है, उस केस का संख्या क्या है। यानी रात को 10-11 बजे उस केस का सारा डिटेल्स मिलता है। नॉमिनेशन सुबह है और केस का डिटेल्स मिले रात के 10-11 बजे। और हम लोग पहली बार, मुझे याद है 29 साल के करियर में, कि हम 1.5 घंटा फर्स्ट टाइम किसी रात को सोए हैं। 3 बजे सोए हैं, 4:30 बजे उठ गए हैं। यानी इतना रात भर हम लोग टेंशन में थे। यानी सुबह उठ के जो हम लोग का डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका था, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर एक नए केस को ऐड करना था। यानी फ्रेश फिर बनता है। सुबह हम लोग नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सुबह हम लोग का काफिला सज रहा है, सुबह हमारी गाड़ियां सज रही हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं नए पेपर भरे जाने की। अकबकी का इंतहा देखिए। फिर नए केस को ऐड किया जाता है और हम लोग नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं। चूंकि यह केस 2 साल पुराना था, यह केस कब का है यह भी आपको बता दें, यह केस है आपका 21 मार्च 2022, यानी पहली बार जब यह आंदोलन अपने पीक टाइम में था और हम लोग फर्स्ट टाइम विधानसभा घेराव का कार्य किए थे, उस समय का है। और उस समय सभी जानते हैं कि हमारी एक्टिविटी बिल्कुल नियमता हुई थी। वहां उस समय जो डीएसपी मौजूद थे, उन्होंने अब बहुत सारे न्यूज चैनल में, बकायदा मुझे सनीदा का नाम याद है, उन्होंने पूछा भी था कि जरा महतो पर कोई एफआईआर होगा। उन्होंने कहा नहीं, जहां तक 144 लागू है उस सीमा के बाहर ये लोग धरने पर बैठे हैं, कोई एफआईआर नहीं होगा। तो हम लोग भी आश्वस्त हो चुके थे। और सबसे खास बात, यदि डिटेन ही करना था, यदि वारंट ही निकालना था, तो 2 साल के दरमियान मैंने नहीं करने से भी 2,500 सभा किया है। उस दरमियान अरेस्ट करते, चतरा नॉमिनेशन के समय अरेस्ट करते, हजारीबाग नॉमिनेशन के समय अरेस्ट करते, लेकिन खैर साजिशें बहुत गहरी हैं, साजिशों का जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैला है। लेकिन उम्मीद है कि हम लोग भी बीज हैं, दबेंगे नहीं, पुनः उग जाएंगे। तो ये केस का डिटेल है। मैं मानता हूं केस की जानकारी मुझे बिल्कुल 30 तारीख को कंफर्म हुई है। और 30 तारीख को जैसे ही कंफर्म हुई, अगले दिन नॉमिनेशन के दिन हम लोग अपना फॉर्म को चेंज किए उस पेज को, और नया पेज प्रिंट आउट करके निकाले, उसमें केस के डिटेल्स को भरे और फिर मैंने अपना हस्ताक्षर किया। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आप संजय दा से पूछ सकते हैं कि संजय दा ने जब मुझे जानकारी दी तो मेरे चेहरे में किस प्रकार से एक आश्चर्यचकित का क्वेश्चन मार्क था कि संजय दा ऐसा कैसे होगा, नहीं मेरा नाम ही नहीं हो सकता है, इतना हम कॉन्फिडेंट थे। तो ये केस का मैटर। अब एक सवाल ये आ रहा है, भाग गए, फरार हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भागने का अर्थ, भागने की को कैसे आप परिभाषित करेंगे। मान के चलिए हम किसी नदी के बीचों बीच हैं और नदी के जो पानी है, उस पानी को जिम्मेवारी मिली है कि जरा महतो को घेर कर रखना है। तो जाहिर सी बात है, या तो मुझे नीचे सुरंग बना के निकलना होगा, या तो उड़ के निकलना होगा, क्योंकि पानी की जिम्मेवारी है। या फिर अगर मुझे साइड से निकलना है, जिस तरह निकलेंगे, तो पानी को खुद रास्ता देना होगा। बिल्कुल यही बोकारो में जहां मेरी सभा हो रही थी, बिल्कुल चारों तरफ गोलाकार पुलिस खड़ी थी, हाथ से हाथ मिलाकर पुलिस खड़ी थी, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो फिर हम कैसे निकले? जैसी बात उन्होंने रास्ता दिया है। जी हाँ, उन्होंने ही रास्ता दिया है। मैं स्वयं उस वीडियो को वायरल करूंगा। पुलिस बैक पर आई है और स्कॉर्पियो के बोनेट पर बैठकर कोई फरार होता है भाई? अब सवाल है कि मैंने 1 मई नॉमिनेशन में जाने से पूर्व रात को 2:30 बजे शमशान घाट में बैठकर मैंने वीडियो 3 बनाया था। एक वीडियो में यह संदेश दिया था कि मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा अरेस्टिंग हो जाएगा, अरेस्टिंग होने के बाद फलाना कार्यकारिणी केंद्र अध्यक्ष होंगे। मैंने ये भी उस वीडियो में घोषणा किया था, क्योंकि मुझे भी पूर्ण आशा था कि हम लोग मुझे डिटेन कर लिया जाएगा। इसीलिए आनंद फानन में 3 सेटों को भरा गया, क्योंकि पूर्ण आशा थी कि डिटेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन वहां तक, डीसी चैम्बर से बाहर निकलने तक, मैं बहुत उत्सुक था कि मुझे अरेस्ट करें। उसके बाद सभा तक, संबोधन के बाद तक मेरी इच्छा थी, मेरी दिल्ली इच्छा थी कि प्रशासन मुझे अरेस्ट करे। लेकिन परिस्थितियां वहां बिल्कुल विपरीत थी। परिस्थितियां क्या थी? बहुत सारे लोग पेट्रोल लेकर थे कि आत्मदाह कर लेंगे, बहुत सारे लोग हिंसक और
उग्र स्वभाव रूप धारण कर चुके थे, वीडियो फुटेज आप देखे होंगे। यानी मैंने इसलिए वहां से निकलना उचित समझा, मैं निकला हूं प्रार नहीं, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आप मेरा स्टेटमेंट अंतिम क्या था याद होगा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। ये मेरा अंतिम शब्द था कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और हम वहां से निकल गए कि आज हम घर निकलते हैं, बाद में इस विषय पर बात करेंगे। क्यों? 1.5 लाख की भीड़ और पुलिस कितनी थी? 1,500। क्या पुलिस में सामर्थ्य था कि हमें वो डिटेन कर लेते बिना किसी हो हंगामे के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी मुठभेड़ के? पॉसिबल नहीं था। 1.5 लाख की भीड़, 1,500 पुलिस, अनहोनी अप्रिय घटना घट जाती। संभवतः अगर हमें डिटेन किया जाता, अभी कौन पब्लिक? भाड़े की पब्लिक नहीं थी, प्रेम से आई हुई, समर्पित भाव से आई हुई, इस नौजवान को चाहने वाली पब्लिक, 45 डिग्री के तापमान में अपने खर्चे से आने वाली पब्लिक, अपने चहेते बेटे को अपने सामने अरेस्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाती। पता नहीं बोकारो का विधि व्यवस्था उस दिन क्या होता, पता नहीं बोकारो की परिस्थिति उस दिन क्या होती, कहीं कुछ अप्रिय हिंसक घटना ना घट जाए। इसलिए मैंने बिल्कुल स्कॉर्पियो के बोर्नेट से कहा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। आप चाहे तो उस सभा में मौजूद तमाम मीडिया रिपोर्टर से पूछे, तमाम पुलिस के पदाधिकारियों से पूछे या जनमानस से पूछे। मेरा यही अंतिम स्टेटमेंट था, क्योंकि आसान नहीं था भीड़ को नियंत्रण कर पाना, आसान नहीं था मुझे वहां से डिटेन करके ले जाना। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप हमें पसंद करें या ना करें, मैं ये अपने आलोचकों के लिए और विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, लेकिन ये आपको मानना होगा, आज लोगों के आशीर्वाद ने मुझे झारखंड का जन नेता बनाया है। आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग बिना अपना खर्च से गए थे, और आप एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी, कितने लोग अपनी मर्जी से गए थे और कितने लोग साधन जुटाने के बाद गए थे नामांकन रैली में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, गांव में चर्चा है। ये टेम्पो में कई रुपया दिया गया था, और बोलेरो वालों को कई रुपया दिया गया था, और दिन भर रहने का कई रुपया दिया गया था, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं कह रहा हूं 10% 15-20% गए होंगे उनके भी रैली में, जो उनके नजदीक के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग भाड़े से लेकर गए थे, ये आपको मालूम है। तो ये बिल्कुल परिस्थितियां सामान्य नहीं थी कि हम वहां से डिटेन कर लिए जाते। मैंने यहां तक वीडियो आप किसी चैनल में देखिएगा कि डीएसपी साहब से हम कान में बात कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है कि भागने वाला आदमी डीएसपी से ऐसे कान में बात कर रहा हो? हम बोर्नेट पर बैठे हैं और डीएसपी साहब बगल में, हम उनको क्या कह रहे थे कान में पता है? कि सर या तो पिंडराजोड़ा थाना में हमको डिटेन करने का मौका दीजिए, या तो पेटरवार में दीजिए, यहां से पॉसिबल ही नहीं कि आप हमको पकड़ के ले जाएंगे, यहां उपद्रव हो जाएगा, यहां अप्रिय घटना घट जाएगी, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट गजब का है, भावनाओं में भी है, आंखों में आंसू भी है और आंखों में अंगारे भी हैं, और मुझे लगता है बोकारो आज जल जाएगा। इसीलिए विधि व्यवस्था को मेंटेन कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और बिल्कुल स्कॉर्पियो के बोर्नेट से मैं निकला हूं, उसके बाद फिर मैं नीचे बैठा और निकलते रहा, और बिल्कुल पुलिस चारों तरफ थी भैया, भागना मतलब कि उड़ के जाते तो भागा मानते, नीचे सुरंग बना के जाते तो भागा मानते, चारों तरफ पुलिस है, वहां से हम कैसे पार होंगे? तो किसी ने हाथ छोड़ा होगा अपना, किसी ने रास्ता दिया होगा, हो सके हमारे चाहने वाले ऊपर पुलिस के लोग होंगे, संभावना है, हम तो उनके बीच से निकले हैं।